वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकार, और इसके अंदर जो संसद के अंदर सांसदों को और विधानसभा के अंदर विधायकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशेषाधिकारों के प्रकार, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है और एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होते हैं? ये वे अधिकार होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदस्य को उसकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, सांसद सदन में अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र है, मन में फिर चाहे कुछ भी हो। संसद सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सिविल यानी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिविल यानी कि दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो फौजदारी मामले होते हैं यानी कि क्राइम से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनके अंदर छूट नहीं है। सदन में कही गई कोई बात या प्रकट किए गए मत के लिए किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। सत्र के दौरान गवाह के रूप में पेश होने से मुक्ति आदि। ठीक है, तो ये हो गए व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अब सामूहिक विशेषाधिकार क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। ये सामूहिक रूप से प्रदत्त विशेषाधिकार है और प्रकृति में अधिक सामान्य है। जैसे उदाहरण के लिए, दस्तावेजों, रिपोर्ट और चर्चाओं को प्रकाशित करने का अधिकार, अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकना, यह भी सामूहिक अधिकार विशेषाधिकार में शामिल है। अदालतों के लिए सदन की कार्यवाही जांच करना प्रतिबंधित है। सदन के अंदर होने वाली जो भी कार्रवाई हो, जैसी भी कार्रवाई हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी कोई भी अदालत नहीं कर सकती है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, रिहाई आदि की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी सामूहिक विशेषाधिकार के अंदर शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं कानूनी प्रावधान क्या क्या है, मतलब संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संविधान और कानूनी प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान तो क्या है? अनुच्छेद 105 और 194 क्रम से 105 तो जो है वो है संसद के लिए, किसके लिए? संसद के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 194 है अनुच्छेद, वो है विधानसभा के लिए। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि निम्न में से अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है या फिर अनुच्छेद 194 किससे संबंधित है। नेक्स्ट है कानूनी प्रावधान क्या है। तो ये तो हो गया संवैधानिक प्रावधान। अब कानूनी प्रावधान क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार सदन या किसी समिति की बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी और नजरबंदी से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है। मतलब जो कानूनी प्रावधान है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार है। इसके अंदर जो सदस्य है या किसी समिति की बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों की जो गिरफ्तारी है या नजरबंदी है उसे छूट दी गई है। नेक्स्ट है प्रक्रिया के नियमों और पूर्ववर्ती निर्णयों पर आधारित विशेषाधिकार। मतलब प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया के नियमों और पूर्ववर्ती निर्णयों के आधारित निर्णयों पर आधारित विशेषाधिकार क्या है? सभापति, ये किसके होते हैं? ये राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, ये होता है लोकसभा का। ठीक है, किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, सजा, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो सभापति और अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, जो भी लोकसभा के अंदर विधानमंडलों के अंदर, जैसे हाल ही के अंदर मैं आपको उदाहरण दूं, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब राहुल गांधी किसके, जो राहुल गांधी थे वो किसके सदस्य थे? लोकसभा के थे। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। जैसे ही लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, वैसे ही तुरंत सूचना किसको दी गई? ओम बिड़ला को दी गई। तो ये उदाहरण आपके लिए फिट बैठता है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। आई होप आपको पसंद आया है। थैंक यू।